हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एसके एजी फार्मेसी। हमने पिछली वीडियो में हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी कवर किया था और आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट स्टेटस एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी, मतलब फार्माकोग्नोसी का प्रेजेंट स्टेटस क्या है और स्कोप क्या क्या है, तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि डी फार्मा से रिलेटेड सभी प्रकार की जानकारियां आप तक पहुंचती रहें। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये आपका टॉपिक आ गया, प्रेजेंट स्टेटस एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। ठीक है, तो हम प्रेजेंट स्टेटस के बारे में 4-5 लाइनें जान लेते हैं। जैसे फार्माकोग्नोसी ड्रग्स, फार्माकोग्नोसी दवाइयाँ इज़ हेल्पफुल हैं, मददगार हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बेकरी प्रोडक्ट्स एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स। मतलब फार्माकोग्नोसी दवाइयाँ हेल्पफुल हैं, मददगार हैं फॉर किस लिए, प्रोडक्शन ऑफ बेकरी प्रोडक्ट्स, बहुत प्रोडक्शन मतलब बनाने में, बेकरी प्रोडक्ट्स बनाने में और नेचुरल प्रोडक्ट्स बनाने में मददगार हैं। एग्ज़ाम्पल क्या है, जैसे बनाना मसाला चिप्स। भाई आजकल बनाने बहुत सारी चिप्स आ गई हैं, तो उनमें जो मसाला यूज़ होता है वो आपका फार्माकोग्नोसी ड्रग का ही होता है। ठीक है, चाहे वो जिंजर फ्लेवर हो, चाहे वो अदर कोरिएंडर फ्लेवर हो, और भी काफ़ी सारे फ्लेवर जो हैं वो इसी मसाले से यूज़ होते हैं। तो ये लाइन समझ में आ गई होगी आई थिंक मेरे हिसाब से आपको। ठीक है, दूसरा क्या है, फार्माकोग्नोसी ड्रग आल्सो हेल्पफुल यूज्ड एज अ फ्लेवरिंग एजेंट। मतलब फार्माकोग्नोसी का जो ड्रग है वो आल्सो मतलब होता है और भी, मददगार हैं, यूज्ड एज अ फ्लेवरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट में। ठीक है, फार्माकोग्नोसी दवाइयाँ क्या हैं, फ्लेवरिंग एजेंट में भी यूज़ होती हैं। एग्ज़ाम्पल क्या है, आपका जिंजर। जिंजर जैसे एग्ज़ाम्पल, आपकी बहुत सारी विक्स की टॉफ़ी आती हैं, आपकी हनी की आती है और जिंजर की आती है, कार्डमम की भी आती है, तो ये सारी चीज़ें आपका एज अ फ्लेवरिंग एजेंट में यूज़ होती हैं। ठीक है, तो ये आपका दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट हम देख लेते हैं। सबसे पहले फार्मास्यूटिकल ड्रग्स यूज़ एज अ सीटिंग एजेंट। भाई आजकल फार्मास्यूटिकल ड्रग्स जो हैं, फार्माकोग्नोसी ड्रग्स यूज़ एज अ सीटिंग एजेंट। फार्माकोग्नोसी दवाइयाँ यूज़ की जाती हैं एज अ सीटिंग एजेंट के, मतलब जो मिठास होती हैं। तो एग्ज़ाम्पल आपका क्या है, हनी। तो ये आपका हनी नेचुरल ड्रग है। ठीक है, फिर आपका चौथा पॉइंट है, फार्माकोग्नोसी ड्रग आल्सो यूज्ड एज अ स्पाइसी एजेंट। मतलब फार्माकोग्नोसी जो ड्रग है वो यूज्ड एज अ स्पाइसी एजेंट के रूप में भी किया जाता है। एग्जाम्पल क्या है, जिंजर, कार्डमम और क्लोव। मतलब जैसे ये है, घर में भाई खीर बनती है तो जाहिर सी बात है इलायची यूज़ होती है, तो वो आपका स्पाइसी एजेंट हो गया। ठीक है, और भी काफ़ी सारे प्रेजेंट स्टेटस हैं। तो फार्माकोग्नोसी का जैसे आपका कल्टिवेशन में, बहुत सारे पेड़ पौधों को उगाने में, ठीक है, वो सारी चीज़ें हैं। चलिए हमने 4-5 पॉइंट्स कवर कर लिए, फिर अब हम बात करते हैं स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी, मतलब फार्माकोग्नोसी का स्कोप कहाँ कहाँ है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है हमारा, फार्माकोग्नोसी इज़ हेल्पफुल, फार्माकोग्नोसी मददगार है, प्रोवाइड द नॉलेज, हमको नॉलेज प्रोवाइड करती है, किसका, नॉलेज ऑफ प्लांट ड्रग्स। मतलब हमें प्लांट की जो दवाइयाँ हैं उनका नॉलेज प्रोवाइड करती है, एनिमल ड्रग्स का नॉलेज प्रोवाइड करती है, मिनरल ड्रग्स का नॉलेज प्रोवाइड करती है, और सी ड्रग्स मतलब समुद्री जो ड्रग्स होती हैं उनका हमें नॉलेज प्रोवाइड करती है। तो इस प्रकार हमें फार्माकोग्नोसी नेचुरल ड्रग्स जितनी हैं, एनिमल ड्रग हैं, मिनरल ड्रग्स हैं, उनका भी हमें नॉलेज देती है। ठीक है, अब हम दूसरा पॉइंट बात कर लें, फार्माकोग्नोसी आल्सो हेल्पफुल प्रोवाइड नॉलेज, फार्माकोग्नोसी आल्सो मददगार है, प्रोवाइड द नॉलेज, हमें नॉलेज प्रोवाइड करती है ऑफ द ड्रग्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज। मतलब बीमारी को ठीक करने के लिए हमें एक नॉलेज देती है फार्माकोग्नोसी। एग्जांपल क्या है आपका, अर्जुना बर्क इज़ द यूज्ड द ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट फेलियर। अर्जुना बर्क इज़ यूज्ड,
अर्जुना बर्ग का यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर के जो पेशेंट होते हैं उनको ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ ए यूज एज अ कार्डियोटॉनिक्स, कार्डियोटॉनिक्स के रूप में इसे यूज़ करते हैं। कार्डियोटॉनिक्स का ही मतलब होता है कि ऐसी दवाइयाँ जो हार्ट फेलियर को ठीक करती हैं उसे बोलते हैं कार्डियोटॉनिक्स। ठीक है, दूसरा क्या है, राउल्फिया, सॉरी ये एग्जांपल ही है, राउल्फिया यूज्ड एज द एंटी हाइपरटेंसिव, मतलब राउल्फिया जो होती है वो आपकी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है जो कि टेंशन को रिड्यूस करती है। ठीक है, फिर आप तीसरा पॉइंट बात कर लें, फार्माकोग्नोसी आल्सो प्रोवाइड द नॉलेज ऑफ यूज्ड द ड्रग, फार्माकोग्नोसी हमें नॉलेज प्रोवाइड करती है कि हम ड्रग का यूज़ कैसे कर सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल जैसे है हनी, हनी क्या है, एज अ स्वीटिंग एजेंट है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको स्वीटिंग एजेंट के द्वारा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका तीसरा पॉइंट है। चलिए अब हम चौथा पॉइंट की बात कर लें, चलिए ये हमारा चौथा पॉइंट है कि फार्माकोग्नोसी आल्सो प्रोवाइड द नॉलेज एपीआई ऑफ ड्रग्स, मतलब क्या है, फार्माकोग्नोसी हमें प्रोवाइड करता है कि हमारी ड्रग में कौन सा केमिकल्स प्रेजेंट है। ठीक है, ऑप्टेन फ्रॉम द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, ठीक है, ऑप्टेन प्राप्त होता है फ्रॉम द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस से, कौन से एक्सट्रैक्शन प्रोसेस से, मतलब एपीआई कौन सा प्राप्त होता है, इसकी नॉलेज भी हमें फार्माकोग्नोसी में मिलती है। तो एग्जांपल है राउल्फिया एक्सट्रैक्शन मेथड रेसरपीन, राउल्फिया में एक केमिकल पाया जाता है रेसरपीन जो कि एक्सट्रैक्शन मेथड द्वारा निकाला जाता है। ठीक है, तो ये आपका चौथा पॉइंट है। फिर आपका पांचवा पॉइंट है, फार्माकोग्नोसी इज द हेल्पफुल फॉर, फार्माकोग्नोसी मददगार है फॉर किस लिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग, किसी ड्रग की आइडेंटिटी जानने के लिए, जैसे किसी का बायोलॉजिकल सोर्स उसकी आइडेंटिटी जानने के लिए, प्योरीफिकेशन उसकी प्योरिटी चेक करने के लिए, एक्सट्रैक्शन जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा एक्सट्रैक्शन में पहले होता है एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट हम किसी का बनाते हैं फिर उसको ड्राई प्रोसेस के द्वारा ड्राई करते हैं फिर जो पाउडर फॉर्म में होता है उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट ड्रग बोलेंगे और इस प्रोसेस को एक्सट्रैक्शन मेथड बोलेंगे। ठीक है, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ ड्रग, फिर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ड्रग, उसका स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं, फिर फॉर्मुलेशन ऑफ ड्रग, मतलब उस ड्रग को फॉर्मुलेट करते हैं, मतलब बनाते हैं। एग्जांपल के तौर पर अगर हम जैसे कोई रूट लें तो उसको पहले साफ़ करेंगे, क्लीन करेंगे, फिर उसको ड्राई करेंगे, फिर लास्ट में उसको पैक करेंगे, तो इस प्रकार हमारा फॉर्मुलेशन ऑफ ड्रग बनेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें नॉलेज देता है हमें, ये सारी चीज़ें फार्माकोग्नोसी में होती हैं। ठीक है, चलिए अब हम छठा पॉइंट बात कर लें, फार्माकोग्नोसी ड्रग आल्सो यूज्ड इन द फार्मास्यूटिकल ऐड, फार्माकोग्नोसी जो दवाइयाँ होती है वो फार्मास्यूटिकल ऐड में यूज़ की जाती हैं। ठीक है, अब हम जान लेते हैं फार्मास्यूटिकल ऐड क्या होता है। तो सबसे पहले है हमारा फार्मास्यूटिकल ऐड, मतलब दो सब्सटेंस, सॉरी यहाँ आप ड्रग भी लिख सकते हो, विच आर यूज्ड इन द लिटिल अमाउंट, मतलब ऐसी दवाइयाँ जो कि, मतलब ऐसे पदार्थ जो कि यूज्ड इन द लिटिल अमाउंट, छोटे अमाउंट में यूज़ किए जाते हैं, बट नो थेरापेटिक वैल्यू, बट लेकिन नो थेरापेटिक वैल्यू इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब इनका प्रोडक्ट, इनका कोई थेरापेटिक वैल्यू नहीं रहती है, इनका कोई थेरापेटिक एक्शन नहीं रहता है, एंड दे आर इसेंशली बट और दे आर इसेंशली ये आवश्यकता होती हैं इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, मतलब ये है फार्मास्यूटिकल ड्रग्स बनाने में इनका बहुत महत्व रहता है। ठीक है, इनका थेरापेटिक वैल्यू नहीं रहती है, मतलब थेरापेटिक एक्शन नहीं रहता है, लेकिन इनका जो है वो इसेंशली रहते हैं, आवश्यकता रहती है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर जैसे आप सुक्रोज है, ठीक है, और हमारे पास प्योरीफाइड वाटर नहीं है, तो हमारे पास क्या है, सिंपल सिरप नहीं बन पाएगा, तो इसलिए प्योरीफाइड वाटर का थेरापेटिक एक्शन तो नहीं है बट वैल्यू बहुत है। ठीक है, तो एग्जांपल की बात कर लें हम, तो सबसे पहले फ्लेवरिंग एजेंट जिंजर कार्डमम, ये सारे आपके फ्लेवरिंग एजेंट हैं। ठीक है, जिनमें जिंजर कार्डमम इलायची ये सारे फ्लेवरिंग एजेंट है।
स्वीटिंग एजेंट आपका हनी है, डाइल्यूएंट एजेंट सिनेमोन वाटर है और प्यूरिफाइड वाटर है। चलिए आपका लेक्चर ख़त्म हो गया और थैंक यू सो मच। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, करिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है और आपको ऐसे ही इजी नोट्स हम प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। और आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है, सो इसलिए 3 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले डिफिनेशन ऑफ फार्माकोग्नोसी, दूसरा क्वेश्चन है हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी, और तीसरा क्वेश्चन है आपका प्रेजेंट स्टेटस एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। तो आप सभी लोग अच्छे से ये क्वेश्चन तैयार करिए, ज़्यादा नहीं है, इजी मोड से मैंने समझा दिया है, तो इसलिए आप सभी लोग सबसे पहले डिफिनेशन ऑफ फार्माकोग्नोसी प्रिपेयर करिए, दूसरा है हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी प्रिपेयर करिए, और तीसरा है प्रेजेंट स्टेटस एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। तो ये आप क्वेश्चन तैयार कर लीजिए और बहुत अच्छे से तैयार करिए, ज़्यादा कुछ नहीं है, 2 बार चीज़ों को रिवाइज़ करेंगे तो ईज़ली याद हो जाएंगे। और ज़रूरी ये है कि आप लिख लिख के याद करिए, तो इससे यह है आपकी जितनी स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी वो सब ठीक हो जाएंगी। तो ये काम ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।